दोस्तों, एक बार फिर विल्डरनेस डेज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बरसात कहिए, मानसून कहिए, बारिश कहिए, वो मौसम हम सबको बहुत पसंद है। बल्कि हम अगर इसी लोकेशन पर आने की कोशिश करते बरसात के मौसम में तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाते, इतनी हरियाली होती। लेकिन भारत का एक जंगल है जिसमें मानसून की वजह से, बरसात की वजह से वहाँ के जानवरों को बेहद तकलीफ होती है, और वो हर एक साल। ब्रह्मपुत्र को किसी भी तरफ से देखो तो उसका बहाव उसकी ताकत को बयान करता है। ऊपर से शांत बहता यह पानी अपने अंदर तूफान लेकर घूमता है। तेज गति के बहाव का यह तूफान साल में एक बार अपनी ताकत दिखा देता है, और उसके बाद तो तबाही ही मच जाती है। आसाम का काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन मानसून के दौरान ये पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के गुस्से के सामने एकदम लाचार हो जाता है। During this recent devastating flood, we have seen that in Kaziranga, the total death toll was about 600 animals, out of which about say 500 were hog deer, and then there were a lot of other species which have died due to this flood. Mainly, there were 15 rhinos which were dead during this flood, and some 10 swamp deer, some hog badgers, and some barking deer as well. So, but basically, out of all the species, if you see, hog deer, you know, constituted the most of the dead cases. ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ आधे से ज्यादा काजीरंगा पर अपना कहर ढा देती है। आलम यह होता है कि उस बाढ़ के डर से जानवर तो क्या, इंसान भी भाग जाते हैं।
साल में 2 महीने काजीरंगा पार्क के वन जीवों को ब्रह्मपुत्र का गुस्सा झेलना पड़ता है। काजीरंगा के अधिकारियों के लिए भी ये समय मुश्किलों भरा होता है। जंगल के वन जीवों पर दो तरफ से खतरा मंडराता है। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से बचने की कोशिश में जंगल के जानवर सूखे स्थान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और कुछ राज्य राजमार्ग पर पहुंच जाते हैं। जहां पर वो तेजी से आते जाते वाहनों के शिकार हो जाते हैं। इस समय भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट यानी कि WTI जैसे गैर सरकारी संगठन वन विभाग की सहायता करने के लिए आते हैं। उनके कार्यकर्ता ट्रक ड्राइवरों को जानकारी देते रहते हैं कि राजमार्ग पर घूम रहे जानवरों के हिसाब से गाड़ी चलाएं। काजीरंगा की सीमा पर स्थित जानवरों के लिए ये पुनर्वास केंद्र शायद भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। पूरे राज्य से घायल पशुओं को यहां पर लाया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। एक बार ये ठीक हो जाते हैं तो फिर से जंगल में छोड़ दिया जाता है। Work that we do here is that any animal that is rescued from the national park, which needs necessary veterinary treatment, is brought to the center. According to the situation, the animal is treated, and if
it can be released back into the place where it was brought from, it is released. We try to do the release as close to the site of rescue as possible. ब्रह्मपुत्र की बाढ़ की वजह से काजीरंगा के वन जीवों पर एक और खतरा मंडराने लगता है। भारत के बाकी राष्ट्रीय उद्यानों की तरह यहां भी मानसून में अवैध शिकार का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से काजीरंगा के अधिकारियों को दो गुना सतर्क रहना पड़ता है। हमने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र निदेशक एस दत्ता के साथ बातचीत की। दत्ता ने बताया कि बारिश के दौरान वन विभाग की जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं। रिगार्डिंग पॉसिबिलिटी ऑफ पॉचिंग, आई लाइक टू से हियर दैट दिस इज द मोस्ट वेरी सेंसिटिव टाइम एट दिस point poachers from the neighboring hills and poachers from across the river Brahmaputra from the northern side also, they continuously try to sneak into the national park and poach rhinos. Unfortunately, two rhinos have since been poached during the blast. At the moment, to prevent such recurrence of such unfortunate incidents, we are having joint patrolling with the forest officers and staff of Karbi Anglong in the sensitive areas bordering Kaziranga, and we found that the morale of our staff located in some strategic points in the northern boundary of the northern part of the national park is high. They are carrying on with their determined patrolling against poaching, and I hope we all continue to keep up our efforts to prevent poaching in the park. ब्रह्मपुत्रा की तबाही किसी को नहीं छोड़ती। बाकी स्थानों की तरह काजीरंगा भी ये हर साल झेलता है। आप लोग जो लगातार विल्डरनेस डेज को देखते चले आ रहे हैं, आपको रेनू की कहानी तो याद है। वो छोटी सी प्यारी सी लेपर्ड कप जो बचपन में ही अपने वालदान यानी के माँ बाप से अलग हो गई थी। उस वक्त ऐसा लगता था कि जिंदगी ने उसके रास्ते में इतने कांटे डाल दिए कि वो चल भी नहीं पाएगी। लेकिन उसकी हिम्मत के क्या कहने। आज बड़ी खुशी के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि उसकी कहानी की एक हैप्पी एंडिंग है। ये कहानी एक खास तेंदुए की है।
इस तेंदुए पर हम लोगों ने कई सालों से नजर रखी हुई है। इस कहानी में इस युवा शावक के जीवन के उतार चढ़ाव हैं, इसकी हिम्मत और जज्बे की दास्तान है, जिसने इसको मौत के मुंह से ना सिर्फ जिंदा खड़ा किया बल्कि जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। महाराष्ट्र में नासिक से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर यह है चास गांव। छोटा सा ये गांव, अगर हम भारत में राजमार्ग के नक्शे पर इसे तलाशें तो ये एक बिंदु की तरह दिखता है। साल 2011 के मई महीने में यहां पर एक अजीब बात हुई। एक मादा तेंदुआ रात के अंधेरे में यहां के खेतों में घुसी और अपने तीन शावकों को छोड़कर वापस जंगल में चली गई। कुछ दिन बाद वो वापस लौटी और अपने दो शावकों को अपने साथ ले गई। लेकिन तीसरे शावक को वो छोड़कर चली गई। तीसरे शावक को बुरी तरह से चोट लगी थी और वो मरने की ही हालत में था। चास गांव के निवासियों ने शुरुआत में उस शावक की देखभाल की, लेकिन परेशानी की बात तो यह थी कि पूरी देखभाल के बाद भी उस शावक के जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। वो किसी चिड़ियाघर में रहने के लिए काफी छोटा था और जंगल में अपने दम पर जिंदा रहने के लिए कमजोर भी था। चास गांव के निवासियों की मेहनत के बाद कुछ दिनों तक नासिक के वन विभाग की टीम ने उस शावक की देखभाल की, लेकिन तब भी वो शावक काफी कमजोर था, उसकी हालत में खास सुधार नहीं हो पा रहा था। जब लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी, तब उस असहाय शावक के जीवन में उम्मीद की किरण चमकी। जाने माने वन प्रेमी और कार्यकर्ता डॉक्टर प्रकाश आमटे ने उसकी जिम्मेदारी ली। नागपुर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर डॉक्टर आमटे हेमलकासा में आदिवासियों के लिए एक अस्पताल चलाती हैं। वहां पर एक पशु बचाव केंद्र भी चलता है। डॉक्टर प्रकाश आमटे ने उस तेंदुए शावक को रेणु नाम दिया। ये शावक पशु अस्पताल में सबसे नई भर्ती था। इस अस्पताल में पशुओं और पंछियों का इलाज होता है।
रेणु के आने के बाद से डॉक्टर आमटे ने इसकी खास तौर से देखभाल करना शुरू कर दिया। We gave her company of our past leopards. There were four, and they immediately accepted her, and she was so happy. She was playing, teasing them, and even today, all of them can live together. डॉक्टर आमटे के अथक प्रयासों की वजह से रेणु पूरी तरह से खतरे से बाहर है। जब हम लोग साल 2012 के मई महीने में उसको देखने गए, तब तक वो शावक से एक युवा मादा तेंदुआ बन गई थी। हालांकि रेणु के भविष्य को लेकर डॉक्टर आमटे अब भी परेशान दिखे। Then we cannot train her to hunt. And second thing is now of course she has become so used to human beings. Human imprinting. So now if you can let her in the jungle, she may survive. But any human being can kill her with a stick or a stone. Because she will automatically come to human beings. Yeah, because she is not afraid and she is not scared. She thinks that all human beings are very nice. So she will try to go play with them, and they will in return can kill her. So unfortunately, these orphan animals. But you have to take a lot of trouble, a lot of efforts to send them back into the nature. एक तर्क ये हो सकता है कि रेणु ने अपनी आजादी हमेशा के लिए खो दी है। लेकिन एक सच ये भी है कि वो आज जिंदा है। जिन हालात से वो गुजर कर आज खड़ी है, वो अपने आप में इस हौसले को बयान करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इतनी सी रेणु, मासूम सी, बेचारी सी, आज वो खुश है। इसलिए मैं बताता हूं कि कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।